हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू शिक्षा। कैसे हैं सब लोग? एंड दिस इज़ गाइस माय यूट्यूब चैनल एज यू ऑल नो। ठीक है, अभी तक हम अन अकेडमी के ऊपर पढ़ रहे थे। सो यहाँ पर हम कुछ सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं जो करंट अफेयर्स के बेसिकली सेशंस हैं एग्रीकल्चर के, जो आपको IBPS AFO और नबार्ड ग्रेड ए के अंदर, दोनों के अंदर हेल्पफुल करेंगे। 15-20 मिनट्स के रिकॉर्डेड फॉर्म में ये सेशंस अभी हम कंडक्ट करेंगे। ऑलरेडी जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स का पार्ट वन कंडक्ट कर चुके हैं, जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर ऊपर लिंक दिख रहा होगा यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉर्नर के ऊपर। एंड दिस विल बी द पार्ट टू। PDF आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द क्वेश्चन गाइज। एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, पर्पल रेवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, पर्पल रेवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज एसोसिएटेड विद, ऑल राइट, ऑप्शन ए जामुन कल्टीवेशन, बी लेवेंडर, सी स्टार्टअप्स इन टेक्निकल सेक्टर, डी नन ऑफ दी अबव, ई ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो पर्पल रेवोल्यूशन दिस वॉज इन न्यूज। सो पर्पल रेवोल्यूशन बेटा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो आपके एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस हैं वो ऑलरेडी हम करते हैं। ठीक है, हम आपको वेरियस क्लासेस के अंदर, जो मेरे कोर्सेज हैं उनके अंदर भी मैंने आपको कवर करवाए हैं। तो पर्पल रेवोल्यूशन इज समथिंग डिफरेंट। नाउ पर्पल रेवोल्यूशन इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द लेवेंडर कल्टीवेशन। लेवेंडर कल्टीवेशन के साथ बेसिकली एसोसिएटेड है और ये ओवरऑल एक अरोमा मिशन है, उसका पार्ट है। तो पर्पल रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या था, जो फार्मर्स थे ना, जो किसान थे, उनको लेवेंडर सैपलिंग्स दिए गए थे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एंड पहले क्या होता था, 5 से 6 रुपए एक सैपलिंग का लिया जाता था, बट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया। ये बेसिकली एरोमेटिक क्रॉप्स को एनकरेज करने के लिए, डोमेस्टिक कल्टीवेशन को एनकरेज करने के लिए, क्योंकि हम बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं एरोमेटिक क्रॉप्स का और एरोमेटिक ऑयल्स का। तो अगर हम डोमेस्टिकली ये एरोमेटिक क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सकें, तो एक तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा एंड फर्दर हम इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, तो जो आपका लेवेंडर होता है, इसका मेन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, लेवेंडर ऑयल, ये अराउंड 10,000 रुपये लीटर बिकता है। ठीक है, लेवेंडर वाटर विच सेपरेट्स फ्रॉम लेवेंडर ऑयल, जो बेसिकली जो आपकी अगरबत्तियाँ होती हैं उसको बनाने के लिए यूज़ होता है, हाइड्रोसॉल। ठीक है, हाइड्रोसॉल जो है ये आपका फ्लावर का डिस्टिलेशन करके एक बाय प्रोडक्ट हम ऑप्टेन करते हैं, और ये साबुन बनाने में, रूम फ्रेशनर बनाने में इस्तेमाल होता है। तो ये बड़े डिमांडिंग प्रोडक्ट्स हैं और हम इंडिया के अंदर इनको इंपोर्ट करते हैं, तो सोचो अगर हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें। तो पर्पल रेवोल्यूशन बेसिकली इसी लेवेंडर कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए जो है शुरू किया गया था JNK में, एंड अरोमा मिशन के अंदर, बेसिकली ओवरऑल अरोमा मिशन के अंदर। अरोमा मिशन जो है ये बेटा CSIR का है, CSIR का बेसिकली है, जो आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट। ऑलराइट, सो टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस इन द अरोमा सेक्टर थ्रू वेरियस इंटरवेंशंस, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो प्रोसेसिंग हो, चाहे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, जो अल्टीमेटली अरोमा इंडस्ट्री की ग्रोथ करे और साथ के साथ रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो एरोमेटिक क्रॉप्स को कल्टिवेट करना है इसके अंदर फॉर वेरियस एसेंशियल ऑयल्स, एंड इंडियन फार्मर्स को ग्लोबल लीडर्स बनाएगा प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट के अंदर, क्योंकि अपने यहाँ पर देखो स्कोप तो बहुत सारा है इसका। ठीक है, बस आपको इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, सब्सटेंशियल बेनिफिट्स जो है फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि दे कैन इवन अर्न हायर प्रॉफिट। नोडल एजेंसी यानी कि इंप्लीमेंट इसको कौन करेगा, तो ये है आपका CSIR का, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स है लखनऊ के अंदर, वो इसको इंप्लीमेंट करेगा। साथ ही साथ CSIR, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी पालमपुर का, और CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू, ये भी इसके साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के अंदर काम करेंगे। ठीक है, तो देखो एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, पर्पल रेवोल्यूशन किस चीज़ से एसोसिएटेड है। दूसरा वो ये पूछ सकता है कि ये अरोमा मिशन किस चीज़ का मिशन है, किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, अरोमा इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए है, CSIR का मिशन है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट डज द बोल्ड ए इन समर्थ स्टैंड फॉर। समर्थ के अंदर दो ए है, तो ए के आपको यहाँ पर ये वाला ये दिख रहा है ना, बोल्ड है, तो इसका क्या मतलब है। तो फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन तो देखो पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट होते ही हैं, एग्रेरियन, एग्रो, एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन। अब किसी ने अगर पढ़ा भी हुआ है ना, वो भी अल्टीमेटली कन्फ्यूज हो जाएगा कि एग्रेरियन है, एग्रो है, एग्रीकल्चर है, क्या है, क्योंकि सिमिलर से ऑप्शन है। और कई बार जब हम फुल फॉर्म याद कर रहे होते हैं तो
एकदम क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो नहीं आता पता कि यार एग्रेरियन था, एग्रो था, एग्रीकल्चर था या क्या था। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? एग्रो, एग्रो। ठीक है, सो समर्थ का फुल फॉर्म क्या है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, फुल फॉर्म मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस समर्थ ओनली, पूरे का पूरा न्यूज आपको दिखाऊंगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक पॉलिसी बनाया जिसका नाम है बायोमास यूटिलाइजेशन फॉर पावर जनरेशन थ्रू को फायरिंग इन द कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। ठीक है, बायोमास यूटिलाइजेशन फॉर पावर जनरेशन, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये है क्या, पहले क्वेश्चन देख लो। अक्टूबर 2021 के अंदर ये पॉलिसी आई थी, इसके अंदर क्या बोला गया कि जो भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो कितना परसेंट बायोमास यूज करेंगे कोल फॉर पावर प्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर। बेसिकली कोयले से जो पावर प्रोडक्शन होती है उसके अंदर बायोमास भी यूज करना एक तरह से मैंडेटरी कर दिया, तो कितना परसेंट? ठीक है, एक्स की जगह पर क्या आएगा? 3 से 5, 5 से 8, 5 से 10, 10 से 15 या 10 से 20%। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही जवाब है 5 से 10%। तो ये सारी कहानी क्या है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो समर्थ, इसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एग्रेरियन मिशन ऑन यूज ऑफ एग्रो रेजिड्यू इन थर्मल पावर प्लांट्स। सस्टेनेबल एग्रेरियन मिशन ऑन यूज ऑफ एग्रो रेजिड्यू इन थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, TH इज फॉर थर्मल। ओके, तो बेसिकली पहले सीधा सा फंडा समझ लो, इसके अंदर है क्या, जो पॉलिसी है उसके अंदर फंडा क्या है। एग्रीकल्चर में वेस्ट प्रोड्यूस होता है, बायोमास प्रोड्यूस होता है, जो बेसिकली पराली बच जाती है जिसको फार्मर्स बर्न करते हैं, जो अल्टीमेटली क्लाइमेट को हार्म भी पहुंचा रहा है और अल्टीमेटली किसानों को उसका कोई इकोनॉमिक गेन भी नहीं हो रहा। तो बेसिकली मिनिस्ट्री क्या कह रही है कि आप इसको यूज कर सकते हो इन अ प्रोडक्टिव मैनर। इन अ प्रोडक्टिव मैनर कैसे यूज कर सकते हो? अभी इंडिया की जो ज्यादातर बिजली प्रोड्यूस होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? थर्मल, थर्मल यानी कि कोयला जला करके। कोयला एनवायरमेंट को लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्या कह रहे हैं कि ये जो बायोमास है, जो ये एग्रीकल्चरल वेस्ट है, इसको आप कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं जहां पर आप कोयला जला करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, वहां पर उसके साथ इसको यूज करो। ये जो बायोमास है उसको कोल के साथ आप ऐड करो। ठीक है, कोयला जला रहे हो, कोयले के साथ साथ आप बायोमास को भी बर्न करो। ठीक है, तो अभी मिनिस्ट्री ने क्या टारगेट रखा है पॉलिसी में कि 5 से 10%, यानी कि अगर 100 किलो टोटल बर्निंग कर रहे हो तो 90 किलो कोयला और 10 किलो जो है वो बायोमास को बर्न करो। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा, स्टबल बर्निंग कम हो जाएगी। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा थर्मल पावर प्लांट्स का, क्योंकि अल्टीमेटली कोयले से कम हार्मफुल है। ठीक है, और स्टबल बर्निंग जब आप ओपन में करते हो तो वो एनवायरमेंट के लिए ज्यादा डेंजरस होती है, और साथ ही साथ इनकम बढ़ेगी फार्मर्स की, क्योंकि अब आप किसानों से ये स्टबल जो है ये परचेज करोगे, ये पराली जो है ये किसानों से आप परचेज करोगे। ठीक है, और सरकार ने इसीलिए बेसिकली ये नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन थर्मल पावर प्लांट्स, जिसके अंदर ये समर्थ इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, एग्रो रेजिड्यू और बायोमास, जिसको पहले वेस्ट प्रोडक्ट कंसिडर किया जाता था, विल नाउ बी यूज टू प्रोड्यूस जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी, बिना कोयले की इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और फार्मर्स को एडिशनल इनकम तो इसके लिए मिलेगा ही। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर पॉलिसी ने बायोमास यूटिलाइजेशन फॉर पावर जनरेशन थ्रू को फायरिंग इन कोल बेस्ड पावर प्लांट्स के अंदर बेसिकली ये पॉलिसी इशू की थी अक्टूबर 2021 में। इसमें बेसिकली मिनिस्ट्री क्या कह रही है कि 5 से 10% का टारगेट है जो भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, कि 5 से 10% बायोमास को यूज करें कोल फॉर पावर प्रोडक्शन के अंदर, जो आपका दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। चलिए, ओके, एक और इनिशिएटिव है सेम नाम से, जिसका समर्थ नाम है, ये 2022 में ही बेसिकली आया था, नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर बट वुमेन, पर कंफ्यूजन ना हो इसीलिए यहाँ पर आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये समर्थ प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका नाम था, जिसकी फुल फॉर्म है स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन। स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन, समर्थ। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसके अंदर बेसिकली वुमेन्स डे पे इसको लॉन्च किया गया था, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बोला कि जो भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, जो वेरियस स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स के अंदर ऑर्गेनाइज होंगे, इन प्रोग्राम्स के अंदर 20% सीट्स जो हैं वो वुमेन को एलोकेट की जाएंगी। ठीक है, सरकार ना एग्जीबिशंस में भेजती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के अंदर भेजती है, ठीक है, एमएसएमई के लोगों को। तो उन एग्जीबिशंस के अंदर जो लोग भेजे जाएंगे उसके अंदर भी 20% रिजर्वेशन जो है वो वुमेन एमएसएमई, जो वुमेन ओन्ड एमएसएमई है उनको दी जाएगी। ठीक है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो है वो प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है। ठीक है,
बेसिकली किस चीज़ की प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है, जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जो भी सर्विसेज का चार्ज NSIC प्रोवाइड कर रहा है, उसके ऊपर 20% डिस्काउंट प्रोवाइड किसको किया जाएगा, जो वुमेन MSMEs हैं, ठीक है। और स्पेशल ड्राइव लॉन्च किया जाएगा ताकि जो वुमेन ओन MSMEs हैं उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर लॉन्च किया जा सके, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, एग्रीकल्चर के लिए एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर आपको दिखा दिया है। फोर्थ क्वेश्चन, दीनदयाल अंत्योदय योजना दैट इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हैज ऑब्जर्व्ड एग्री न्यूट्री गार्डन वीक फ्रॉम विच डेट टू विच डेट हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय योर दीनदयाल अंत्योदय योजना। ऑप्शन ए 1 to 7 January, 4 to 10, 10 to 17, 10 to 17 February और नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा? चलो जी, सो द राइट आंसर ओवर हेयर गाइज विल बी योर ऑप्शन नंबर सी, 10 से 17 January को बेसिकली ये दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने आपका एग्री न्यूट्री गार्डन वीक जो है इसको ऑब्जर्व किया है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता था कि ये एग्री न्यूट्री गार्डन वीक किसने ऑब्जर्व किया है, तो उसके अंदर आपका DAY NRLM आपको पता होना चाहिए। एग्री न्यूट्री गार्डन वीक जो है बेसिकली एक अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रोग्राम है रूरल हाउसहोल्ड्स के अंदर, ताकि जो रूरल एरियाज हैं उनको एनकरेज किया जा सके, रूरल हाउसहोल्ड्स को, रूरल परिवारों को एनकरेज किया जा सके कि कैसे वो अपना जो स्पेयर लैंड है, जैसे घर के पीछे का खाली एरिया है अगर किसी के घर में, ठीक है, तो उसको वो कैसे यूज कर सकते हैं फॉर ग्रोइंग न्यूट्रिशनल वेजिटेबल क्रॉप्स एंड ग्रोइंग ऑर्गेनिक क्रॉप्स, ठीक है, फैमिली न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, जो उनको सस्टेनेबिलिटी में हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ अगर प्रोडक्शन एक्सेस होती है, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, जितना उनको रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, तो उसको फिर वो मार्केट में सेल करके एडिशनल इनकम भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा बेटा पैरा बेस्ड टाइप क्वेश्चन है जो नबार्ड टाइप के एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है, सो पढ़ते हैं। इन अ मेजर बूस्ट टू प्रमोट प्रेसिशन फार्मिंग इन इंडिया, ओके जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने गाइडलाइंस इशू किए ड्रोन टेक्नोलॉजी को अफोर्डेबल बनाने के लिए एग्रीकल्चर में, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी। सो इसके लिए जो SMAM की गाइडलाइंस हैं इनको अमेंड किया गया है, SMAM की गाइडलाइंस को अमेंड किया गया है, जिसके अंदर ग्रांट दिया जाएगा एक्स का ऑफ द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ड्रोन। एग्रीकल्चर के लिए जो ड्रोन खरीदेंगे उसके लिए कितना ग्रांट दिया जाएगा, एक्स एक्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ड्रोन, यानी कि टोटल कॉस्ट का कितना परसेंटेज ग्रांट दिया जाएगा, और रुपीज डैश यानी कि परसेंटेज और रुपीज दोनों के उसमें पूछा है, विच एवर इज लेस एज ग्रांट फॉर परचेज ऑफ ड्रोन्स बाय फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स। तो ये बेसिकली किसको देने की बात कर रहे हैं ग्रांट, अगर कोई भी फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, ICAR इंस्टीट्यूट, कृषि विज्ञान केंद्र, स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी अगर ड्रोन खरीदता है, ठीक है, तो उसको ग्रांट देने की बात कर रहे हैं। ऑल राइट, तो ये पूरे का पूरा हमारा एक पैसेज है। अब इसके अंदर सबसे पहला सवाल पूछा है कि भैया ये एम का क्या मतलब है समाम के अंदर। अच्छा चलो जी, तो समाम एक स्कीम है बेसिकली सरकार की, तो इसके अंदर आपसे जो बोल्ड एम है उसका पूछा गया है, मटेरियल मैकेनाइजेशन मैकेनिकल मेंटेनेंस, नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर हेयर इज ऑप्शन बी मैकेनाइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली समाम क्या है, सबमिशन सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है जी। तो सरकार ने बेसिकली एग्रीकल्चर के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए समाम जो स्कीम है उसके अंदर अमेंडमेंट किया है। दूसरा सवाल पूछ रहा है कि एक्स की जगह पर क्या आएगा, तो समाम की गाइडलाइन को अमेंड करके सरकार ने बोला है कि हम कितना परसेंट का ग्रांट देंगे एग्रीकल्चर ड्रोन की कॉस्ट का, कितना परसेंट ग्रांट देंगे। तो यहां पर आंसर हो जाएगा, एक्स की जगह क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा ऑप्शन ई 100%। अभी मैं पूरे का पूरा सोल्यूशन दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वाई की जगह पर क्या आएगा, ठीक है, 100% और रुपीज, विच एवर इज लेस, तो रुपीज की जगह पर आएगा बेटा, लाख आपको यहां पर गिवन है तो 10 लाख रुपए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि 100% का ग्रांट या 10 लाख, विच एवर इज लेस, ठीक है, विच एवर इज लेस, इसका क्या मतलब हो गया। फॉर एग्जाम्पल ड्रोन आया 20 लाख रुपए का, ठीक है, ड्रोन आया 20 लाख रुपए का, अब सरकार कहती है कि हम या तो 100% देंगे या 10 लाख देंगे, तो अगर ड्रोन 20 लाख का है तो सरकार कितना देगी, 10 लाख देगी, विच एवर इज लेस। फॉर एग्जाम्पल ड्रोन आया 10 लाख रुपए का,
ठीक है, तो सरकार कितना दे देगी? सरकार ने बोला 100% और 10 लाख, तो यहाँ पर सरकार पूरे का पूरा 10 लाख दे देगी। फॉर एग्जाम्पल ड्रोन आया 8 लाख रुपए का, तो सरकार कितना पैसा देगी? इन आपके फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट ICAR, कृषि विज्ञान केंद्र, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को, उस केस में सरकार 8 देगी, विच एवर इज लेस लिखा है क्योंकि, ठीक है। ये आ गया। अब इस स्कीम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम ड्रोन यूज को प्रमोट करेंगे एग्रीकल्चर के अंदर, और इसके लिए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन को अमेंड किया गया है, ठीक है जी। तो इसके अंदर सरकार ने सबसे पहले क्या बोल दिया कि हम 100% ग्रांट देंगे या 10 लाख रुपए देंगे अगर कोई भी ड्रोन परचेज करना चाहता है। किनको? अगर कोई फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट ड्रोन परचेज करना चाहता है, कोई ICAR का इंस्टीट्यूट ड्रोन परचेज करना चाहता है, कोई कृषि विज्ञान केंद्र ड्रोन परचेज करना चाहता है, या कोई स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ड्रोन परचेज करना चाहता है। और वो ये ड्रोन किस पर्पज के लिए परचेज कर रहे हैं? ताकि वो लार्ज स्केल पे इस ड्रोन टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन कर सकें, सैंपल दे सकें किसानों को, ठीक है जी। उसके अलावा अगर कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर एग्रीकल्चर ड्रोन परचेज करना चाहती है, तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को कितना ग्रांट दिया जाएगा? 75%। उनके केस में 100% नहीं है, ठीक है, 75% परचेज का नहीं है, सॉरी, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 75% ग्रांट मिलेगा उस खर्चे का जो इन्होंने किया है फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द फार्मर्स फील्ड। क्योंकि अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना है ना किसान के खेत में, तो उसके ऊपर भी खर्चा होता है, डेमोन्स्ट्रेशन करने का भी खर्चा होता है, ठीक है, वेरियस उसके अंदर एक्सपेंसेस होते हैं। तो जो वो खर्चा करेंगे, ठीक है, तो जो वो खर्चा करेंगे उस खर्चे का 75% ग्रांट किसको दे देंगे? FPO को। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए लगे तो 75 रुपए FPO को एज अ ग्रांट दे देंगे, ठीक है जी। अ कॉन्टिजेंसी एक्सपेंडिचर ऑफ ₹6,000 पर हेक्टेयर वुड बी प्रोवाइडेड टू इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज दैट डू नॉट वॉन्ट टू परचेज ड्रोन बट विल हायर ड्रोन फॉर डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब्स, ड्रोन मैन्युफैक्चर एंड स्टार्टअप। अब कोई ऐसी एजेंसी है वो कहती है हम ड्रोन खरीदना नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन हम ये ड्रोन की डेमोन्स्ट्रेशन जो है किसानों को खेत में देना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? वो इन ड्रोन्स को किराए पे लेंगे। किराए पे कहाँ से ले सकते हैं? कस्टम हायरिंग सेंटर से ले सकते हैं, किसी हाईटेक हब से ले सकते हैं, किसी ड्रोन मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं, किसी स्टार्टअप से किराए पे ले सकते हैं। तो उस केस में ऐसी जो एजेंसीज हैं जो ड्रोन परचेज नहीं करना चाहते बट रेंट पे लेकर के डेमोन्स्ट्रेशंस करना चाहते हैं, उनको भी एक यहाँ पर ग्रांट दिया जाएगा। उनको 6,000 पर हेक्टेयर का ग्रांट दिया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 10 हेक्टेयर जगह पर कल्टीवेशन डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो 10,000 × 6 60,000 रुपये हो जाएगा। 5 हेक्टेयर पे तो 6,000 × 5, ठीक है, कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। उस तरीके से द कॉन्टिजेंट एक्सपेंडिचर फॉर टू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज दैट परचेज ड्रोन। अब ऐसा भी नहीं होना कि लोग कहें कि यार फिर तो यही बढ़िया, 6,000 रुपये पर हेक्टेयर का कॉन्टिजेंसी एक्सपेंडिचर मिलेगा, ठीक है, तो हम खरीदने की क्या जरूरत है, हम सिर्फ और सिर्फ रेंट पे ही ले लेते हैं। तो ये चीज़ ना हो, इसीलिए सरकार क्या कह रही है कि ऐसी एजेंसीज जो ड्रोन को जिन्होंने परचेज कर लिया है, ठीक है, अब वो भी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, तो डेमोन्स्ट्रेशन में जिसने ड्रोन परचेज किया हुआ है उसका भी तो खर्चा तो होगा ही ना। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने ड्रोन परचेज किया हुआ है लेकिन अब वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं उसी परचेज ड्रोन की, तो उनको भी 3,000 रुपये पर हेक्टेयर का जो है एक्सपेंडिचर मिलेगा, ठीक है। जिन्होंने खरीदा नहीं है, जो रेंट लेकर के डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको 6,000 रुपये पर हेक्टेयर है, और जो खरीद करके डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं उनको 3,000 रुपये पर हेक्टेयर का एक्सपेंडिचर का जो खर्चा है वो मिलेगा, ओके। और ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस या ग्रांट वगैरह सारे इस स्कीम के अंदर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, दे विल बी अवेलेबल अंटिल मार्च 31, 2023, मार्च 31, 2023 तक के लिए ही ये बेनिफिट्स जो हैं वो अवेलेबल रहेंगे, ओके। उसके बाद बेसिकली एग्रीकल्चरल सर्विसेज को फर्दर प्रमोट करने के लिए ड्रोन एप्लीकेशन के थ्रू 40% ऑफ द बेसिक कॉस्ट ऑफ द ड्रोन एंड इट्स अटैचमेंट और ₹4 लाख विच एवर इज लेस वुड बी अवेलेबल एज फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ड्रोन परचेज बाय एग्जिस्टिंग कस्टम हायरिंग सेंटर्स, ठीक है। कस्टम हायरिंग सेंटर अगर किसी का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, या किसी की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या कोई एग्जिस्टिंग FPO या रूरल एंटरप्रेन्योर है, तो उसको यहाँ पर क्या हम बोल रहे हैं कि हम 40% या तो बेसिक कॉस्ट ड्रोन का, और या फिर 4 लाख जो भी कम है, अगर कोई ड्रोन नया खरीद रहे हैं तो इन इंस्टीट्यूट्स को देंगे। वो 100% और 10 लाख वाला बेटा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ICAR के इंस्टीट्यूट्स के लिए, ठीक है। अभी पीछे एक बार दिखा देता हूँ आपको, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, कन्फ्यूज नहीं होना कि सर अभी तो 100% और 10 लाख था। 100% और 10 लाख सिर्फ और सिर्फ फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है, जो
आईसीएआर के इंस्टीट्यूट हैं, जो किसान किसान कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो, या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जो 100% और 10 लाख वाला सिर्फ उन लोगों के लिए है, ठीक है। और ये 75% जो था वो एफपीओ अगर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, अगर कोई एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो कस्टम हायरिंग सेंटर बना हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है, एफपीओ बना हुआ है, या कोई रूरल एंटरप्रेन्योर है, उसको 40% और 4 लाख, विच एवर इज लेस। अगर कोई एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट, जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है एग्रीकल्चर के अंदर, वो नया कस्टम हायरिंग सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश करता है, तो उसको हम कितना देंगे, 50% या 5 लाख रुपए नए वाले के लिए। पुराने वालों के लिए तो देखो, पुराना अगर एग्जिस्टिंग है तो 40% या 4 लाख, लेकिन कोई एग्रीकल्चर का पढ़ा हुआ ग्रेजुएट जिसने बीएससी करी है एग्रीकल्चर में, या एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में, किसी भी फील्ड के अंदर, और वो नया कस्टम हायरिंग सेंटर इस्टेब्लिश कर रहा है, तो उसके लिए 50% और 5 लाख। ये सारे के सारे आपके मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर के अंदर। ये मैं आपको बता दूँ सारी जो ये लिमिट है, 10 लाख, 100%, 75%, 4 लाख, 40%, 50, 5 लाख, 50%, हर में क्वेश्चन है आपका, ठीक है जी। उसके अलावा अगर कोई रूरल एंटरप्रेन्योर है और वो ये ड्रोन एक्टिविटी के अंदर जाना चाहता है, उसके लिए एक कंडीशन भी है कि उसने कम से कम 10th एग्जामिनेशन पास किया हुआ होना चाहिए, या 10th एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और उसके पास रिमोट पायलट लाइसेंस होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन स्पेसिफाई करता है, तभी बेसिकली उसको ड्रोन्स ऑपरेट करने का जो है परमिशन मिलेगा, ठीक है बेटा। सो दिस वाज अबाउट द ड्रोन यूज इन एग्रीकल्चर, जो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंदर सरकार ने अमेंडमेंट किया है, ठीक है। एंड दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर गाइस। लेक्चर्स को शॉर्ट रखना, रेगुलरली डलते रहेंगे पर शॉर्ट रखेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो व्हाट्सएप कर सकते हो 9041244689 पर, मेल कर सकते हो शिक्षित@gmail.com पर, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, एंड चैनल को दोस्तों शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, फैलाना है इसको आग की तरह, ठीक है। चलिए, सो ठीक है गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।